दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक पेन ख़रीदने के लिए बाज़ार गया था और वहाँ पर जो अंकल है उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा पेन दिखाऊँ। तो मुझे तो बस ये 10 रुपये वाला पेन चाहिए था, तो मैंने ख़रीद लिया। पर जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो हम किसी महंगा वाला पेन ही देते हैं, किसी अच्छा कंपनी का पेन ही देते हैं गिफ्ट में। तो मैंने सोचा कि कितना महंगा महंगा पेन हो सकता है इस दुनिया में। हम सबको तो पाते पढ़ने पता ही है कि कलम की जो ताकत है वो तलवार से कहीं ज़्यादा होता है, मगर कलम की कीमत कितना ज़्यादा हो सकता है इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। तो पिछले दिन सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में जानते हैं, तो जाना और मैं तो हैरान हो गया। तो मैंने सोचा आप लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए ही चाहिए। तो वेलकम आप सबको इन माय चैनल क्यूरियस कौशिक, और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे महंगे पेन के बारे में जिसके बारे में जानने के बाद मेरा तो होश उड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे जो पेन आएगा वो है मोंटीग्रापा कंपनी का पेन, और इसका मॉडल नेम है एंशिएंट मेक्सिकन सिविलाइजेशन रोलर बॉल पेन। आपको पता है ये पेन जो है ये 18 कैरेट की गोल्ड से बनाया गया है और इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। तो आप सोच सकते हो, और आज तक बस 20 ही पीस बनाया गया है इसका। तो मतलब कि आप अगर चाहोगे भी तो फिर शायद इसको खरीद नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे जो आएगा पेन वो है मोंट ब्लैंक का पेन, और इस पेन की मॉडल नेम है बोहेमे रॉयल पेन। ये पेन भी 18 कैरेट की गोल्ड से ही बनाया गया है और इसमें 1391 डायमंड्स खचित है, और इस पेन की कीमत है 1,16,00,000 रुपये। ओ माई गॉड। वही अगर हम बात करें कि 8वें नंबर पे कौन सा पेन आएगा तो वो है कैंडिया चेके 1010 फाउंटेन पेन, और ये पेन बनाया गया है 18 कैरेट की गोल्ड से, वाइट गोल्ड से, और इसमें एक स्पेशल ब्लू डायमंड भी है, और इस पेन का बस 10 ही पीस बनाया गया था और इसका कीमत 1,23,00,000 रुपये। और उसी तरफ अगर हम बात करेंगे कि 7वें नंबर पे कौन सा पेन आएगा तो वो है मोंट ब्लैंक का ही एक और पेन जो है डायमंड सॉलिटेरी पेन, और इस पेन को बनाने के लिए उन्होंने इसके ऊपर 4,694 डायमंड्स लगाए हैं और एक स्पेशल ब्लू डायमंड भी इसमें लगाया गया है, और इसका जो नीब है वो प्योर गोल्ड है, गोल्ड से बनाया गया है, और इसका कीमत 1,23,16,000 रुपये। और 6 नंबर पे जो पेन आएगा वो है मोंट ब्लैंक का ही एक और पेन जिसका मॉडल नेम है लिमिटेड एडिशन बोहेमिया पेपिलियन पेन, और इसमें 1,402 डायमंड लगे हैं, एक स्पेशल ब्लू डायमंड लगे हैं, और पूरा पेन जो है वो गोल्ड से बनाया गया है, और इसकी कीमत 1,62,13,000 रुपये। वही अगर 5वें नंबर पे कौन सा पेन आता है तो वो है मोंट ब्लैंक का ही एक और पेन जो प्रिंस रेनियर जिनकी मौत हो गया था 2005 में, तो उन्हीं के ऑनर में ये पेन बनाया गया था, और इस पेन का नाम भी रखा गया था प्रिंस रेनियर 3 लिमिटेड एडिशन 81 पेन। और इस पेन में क्या क्या नहीं है, ये प्योर गोल्ड से बनाया गया था और इसमें 996 डायमंड्स और 92 रूबीज भी लगाया गया है, और इस पेन की कीमत है 1,83,00,000 रुपये। वही अगर 4वें नंबर की बात करें तो 4वें नंबर पर आएगा करण डी एच की डायमंड्स लेमोडानिस्टा डायमंड पेन, और इसकी कीमत है लगभग 1,86,00,000 रुपये। एक एक पेन बनाने के लिए इनको 6 महीना लग गए, और इस पेन में 5,00,000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे हीरे लगे हुए हैं और 100 से भी ज़्यादा रूबी लगे हुए हैं, तो जस्टिफाई है ना 1,86,00,000 रुपये। वही 3रे नंबर पे जो पेन आएगा वो है मोंट ब्लैंक का ही एक और पेन जो नाम है मास्टरपीस, मिस्ट्री मास्टरपीस, और ये बनाया गया था इन लोगों की 100 साल की पूर्ति में, कंपनी के 100 साल की पूर्ति में इन लोगों ने ये बनाया थे, और ये गोल्ड डायमंड रूबी सब कुछ है इसमें, और इसकी कीमत है लगभग 5,13,00,000 रुपये। वही दूसरे नंबर पे जो पेन आएगा उसके बारे में अगर बात करें तो वो है अरोड़ा की, और उसका मॉडल नेम है द अरोड़ा डायमंड, और ये 30 कैरेट की डायमंड इसमें खचित है, प्योर वाइट गोल्ड से बनाया गया है, और एक बिग डायमंड भी इसमें लगे हुए हैं, और इस पेन की कीमत की बात करें तो वो है 10,34,00,000 रुपये। और अगर आपके पास पैसा है भी तो भी आप ये अपनी मर्जी से नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि ये पेन हर साल एक ही बिकता है,
ये कंपनी हर साल एक ही पेन बनाता है और एक ही पेन बेचते हैं, और जाहिर सी बात है किसी बड़े आदमी को ही मिलने वाला है ये पेन हर साल। अब दोस्तों आप तो सोच रहे होंगे कि 10 करोड़ 34 लाख रुपए का पेन जो दूसरी नंबर पे आता है तो एक नंबर पे कौन सा पेन आएगा, तो इसका जवाब अभी मिलेगा आपको। तो एक नंबर पे जो पेन है उस कंपनी का नाम है टाइवेल्डी, और इन्होंने एक ही पीस बनाया था और उस पीस का जो मॉडल नेम था इन्होंने दिया था फुलगोर नॉक्टर्नस, और पता है 2010 साल में ये नीलामी में बिका, और कितने में बिका जी, इसमें गोल्ड है, डायमंड है, रूबी है, वो सब छोड़ो, वो तो है ही ऑब्वियस बात है, पर ये बिका था 56 करोड़ 29 लाख रुपीज़ में इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो। ओ माय गॉड, क्या आपने कभी सोचा था कि इतना महंगा वाला पेन भी हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है इस पूरी दुनिया में? जी हाँ, तो ये रहा मेरा टॉप 10 प्राइस वाइज पेन का लिस्ट। तो कैसा लगा आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कौन सा पेन के बारे में आपको पहले से पता था, और अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज में इजाफा होती है तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वरना आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय दोस्तों।